हालेलुया हालेलुया रीमा शिखर रावा रिक्तम जयम पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम है हर एक को आशीष की घोषणा करता हूँ। हाँ पिता, जितने लोगों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट दान दशमा डाले, पिता इन सबों को अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए और अपनी महिमा के लिए इनको बहुतायत से उपयोग कीजिए। आमेन। प्रिस्टू जीजस हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ यह रात के मंथली के प्रार्थना सभा में, और जितने लोग विश्वास के साथ प्रार्थना को देख रहे हैं, प्रभु आप सबको अपनी आशीषों से भरपूर करें। हालेलुया। जितने लोगों ने भेंट दान दशमा डाले हैं, चर्च में के लिए बीज बोए हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। वचन के अनुसार 100 गुना वापस करें। जो लोग बीज बोना चाहते हैं, भेंट दान दशमा डालना चाहते हैं, डिटेल दिया गया है लास्ट में भी, आपको डिटेल मिल जाएगा। अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार आप इसमें बीज बो सकते हैं। हम एक वचन देखते हैं, इसके बाद हम प्रार्थना की सभा में हम आगे जाएंगे। दूसरा पत्रस उसके दूसरे अध्याय के जब हम उसके 9 वचन को देखेंगे तो परमेश्वर का वचन मेरे पियो यहां कहता है, प्रभु नहीं चाहता कोई नष्ट हो और अनियह की सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। मेरे पियो, प्रभु नहीं चाहते हैं कि कोई मनुष्य जन नष्ट हो और वह नरक की आग में डाला जाए। प्रभु यह कर चाहते हैं कि हर एक को मन फिराने का एक अवसर मिलना चाहिए। हालेलुया। आज हम जूतों के बीच में जूत पाए गए। प्रभु ने एक नया नया दिन दिया, नया महीना दिया, इसलिए दिया कि हम उसकी महिमा कर सके और उसके कार्यों में हम सहयोग कर सके। मत्ती 18:18, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी के खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। जो हम मेरे पियो पृथ्वी पर हम करते हैं कार्य, चाहे भलाई हो चाहे बुराई हो, चाहे कोई भी किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, उसका प्रतिफल हमें प्रभु देगा। हालेलुया। इसीलिए हम अपने आप को जांचे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। हम केवल संसारिक बातों पे नहीं बल्कि हम प्रभु के बातों पर भी, उसके कार्यों पर भी हम मनन करने वाले हो जाए। इस पृथ्वी पर हर एक कोई चाहता है कि हमारा एक घर हो। जिस प्रकार से आपको घर की चिंता, क्या प्रभु के भवन के लिए भी आपको चिंता है? हालेलुया। नहीं है तो करना चाहिए, प्रभु आपको आशीष देगा। और जब हम मेरे पियो प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रभु के कार्यों में हम सहयोग नहीं करते, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जीवन में श्राप आ जाता है और आशीष से हम वंचित होते जाते हैं। जैसे मलाकी के 3 अध्याय के उसके 9 वचन कहता है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो और अनसारी जाति ऐसा ही करती। हेलो, मैं बार बार कहता हूं कि सबसे बड़ी आशीष 10वां अंश है और प्रभु के कार्यों के लिए भेंट और दान आपके लिए ये आशीष का कारण ठहरेगा मेरे पियो। प्रेस टू जीजस। जब हम प्रभु के वचन से दूर हो जाते हैं तो हमारी आशीष भी हमसे दूर होती जाती है, लेकिन जब हम प्रभु के करीब आते हैं, उसके वचन से प्यार करते हैं, उसके आज्ञाओं को पालन करते हैं, तो आशीष हमारे तरफ चारों तरफ से खुल जाती है। जहां जाएंगे, जिस काम पर हाथ रखेंगे, जो काम करेंगे, सब सफल होगा, उसमें आपको आशीष मिलेगा। साय 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा कहता, ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा परखो कि मैं आकाश झड़क तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अप्रमाशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। प्रभु क्या कहता है मेरे पियो, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झोंके खोलकर अप्रमाशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। प्रभु हमें एक और मौका देना चाहते हैं उस आशीषों को प्राप्त करने के लिए जो आशीष हमारे रखा है मेरे पियो। नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य नष्ट हो, कोई मनुष्य आशीषों से वंचित हो, क्योंकि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। कब आशीष के वारिस होंगे हम? जब प्रभु के लिए हम आगे आएंगे। प्रभु आज के लिए आशय क्रम प्रकट करेगा। अपने हाथों को उठाइए और विश्वास के साथ प्रभु से प्राप्त कीजिए। जो पाप जो गुनाह जो हुए हैं, प्रभु से माफी मांगे, उसके पास लौट आइए। कह दीजिए, प्रभु मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगा और चलूंगी। यस, हाँ पिता, मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगी। इस महीने से अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। जो गलतियां मैंने की है पिता,
जो भूल मैंने किया, जो तेरे विरुद्ध में काम किए हैं, उन सारे पापों को, सारे कार्यों को पिता अपने लहू से धो कर शुद्ध पवित्र कीजिए। मेरे पियो अनुग्रह परमेश्वर है, वो आपको अपने लहू से धो कर शुद्ध पवित्र करेगा, आपको अपने राज का वारिस बनाएगा। पिता हम प्रार्थना करते हैं खुदा, जो पिता इस समय पिता बीमार पड़े हैं खुदा, दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे खुदा, अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए खुदा और हर एक को छू लीजिए पिता, हर एक को सिफारिश दीजिए पिता, हर एक को छंगाई प्रदान कीजिए, इनके हाथ उनके पैरों में आपकी सामर्थ्य प्रवाहित हो जाए, कमजोरिया वीकनेस बाहर निकल जाए, रसोलिया पथरिया बाहर निकलने पाए, बीपी सुगर नमो होने पाए, जो हॉस्पिटल एडमिट है पिता वाद के नाम से छंगे हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं आशीष की छंगाई की घोषणा करता हूँ, आपने ऐसी चंगाई दे दिया, धन्यवाद करते हैं पिता। जितने लोग पिता अपने हाथों को आगे बढ़ाकर पितावन पिछले मंथ और इस मंथ पिता अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट दान दशमा डाले हैं, जो भेजने वाले हैं पिता, उन सबों पर तेरी आस करने पाए पिता, उन सबों पर पिता तेरे अनुग्रह तेरी दया उतरने पाए खुदावन, इनकी सैलरी बिजनेस सब को घर के परिवार को मैं आशीष की घोषणा करता हूँ पिता, जो कमाते हैं फलवंत होने पाए, जो बसते पिता उनमें फलवंत होने पाए, हर एक जोत उसमें पूरी होती जाए आपके नाम से, हर एक घटी कम ईश्वर के नाम में पूरी हो जाए, जो इनके पास बैस से पचा है पिता उसमें बढ़ोतरी होते जाए आपके नाम से खुदावन, इनकी सैलरी बढ़ोतरी हो जाए, इनका कद इनका पद ऊंचा किया जाए आपके नाम से पिता, ओ थैंक यू लॉर्ड प्रेस टू जीसस पिता, इनका लगा झोंक खोल करे आप मसीह की वर्ष आप इनके जीवन में करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग चर्च जमीन के लिए आगे आकर पिता अपने हाथों को आगे बढ़ाए हैं, उन सबको अपनी अस्तों से भरपूर कीजिए, अपनी महिमा के लिए बहुत ऐसा उपयोग कीजिए, इनके घर इनके के लाइफ इनके जीवन को पिता मैं आपके नाम से आशीष की घोषणा करता हूँ, आपने आशीष भरपूर किया, हम धन्यवाद करते हैं। जो निराशा में बैठे दुखों कष्ट परेशानियों में बैठे पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, हर एक दुख तकलीफ इनके जीवन से दूर हो जाए, इनके रास्ते खुल जाए, इनके बंधन टूट जाए, इनका शोक आनंद में बदलने पाए आपके नाम से पिता, हम धन्यवाद करते पिता। आपने दीपक कार्य अगुवाई की आदर में सहायता के नया मंथ दिया पिता, और पंखों की आड़ में छुपाए रखा खुदावन, हम धन्यवाद करते पिता। पिता पिछले मंथ आपने पिता आने जाने में सहायता किया, पूरे मंथ सुरक्षाओं से भरपूर रखा पिता, हर एक कार्य करने में हमारी सहायता प्रदान किया पिता, आने वाले महीना पिता हम सबके लिए जीवन का आशीष कारण ठहरने पाए, आपने एक नया महीना दिया पिता, ये महीना पिता हर एक भाई बहनों के लाइफ में अरिशय क्रम करने जा रहा है, हम धन्यवाद करते हैं खुदा। पूरे मंथ अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, ये भाई बहन जहां भी जाते हैं हर एक काम आपके नाम से सफल होने पाए, ओ रो रा 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 मा साखर वा जीवन के बंधन टूट जाए, जीवन के क्षेत्र में जो रुकावट जो बधाएं आ रही है पिता मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, हर एक रुकावट बधाएं दूर हो जाए, और इनके घरों में पिता सुख शांति से आने पाए पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी इनके काम इस मंथ सफल होने पाए, रात की महिमा करने वाली हो जाए, यही प्रार्थना करते है खुदा। हम प्रार्थना करते उन सारे भाई बहनों के लिए खुदावन, जो प्रभु नशे की आत्माओं में बुरी आत्माओं में पड़े हुए हैं, हर प्रकार के अंधकार की आत्माएं नशे की आत्माएं बुरी आत्माओं से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ, इनका हृदय इनका मन आपके नाम से परिवर्तन होने पाए, और ये भाई बहन आपकी महिमा करने वाले हो जाए खुदा। हम प्रार्थना करते हैं जो बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं, आप उनको ब्लेस कीजिए, आप उनको आस प्रदान कीजिए, 2023 से पिता आपने ऐसे निश्चय क्रम कर दिया, जो विश्वास के साथ आपके उपस्थिति में बैठे हैं पिता, प्रभु जी आपने असंभव को संभव करके दिया, हम धन्यवाद करते हैं। जो कर्ज में डूबे हुए पिता हम प्रार्थना करते हैं खुदा, हर एक कर्ज के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए, हर एक के जंजीरों से आजाद होने पाए, इनके मेहनती कमाई जहां कहीं फंसे जिस कंपनी जिस ऑफिस में हम प्रार्थना करते कहीं पैसा इन्वेस्ट किए पिता, प्रभु जी इनकी मेहनती कमाई इनको जल्द से जल्द मिलने पाए, रुकावट बधाएं ये आपके नाम से इनके जीवन से दूर होने पाए, और ये आपकी महिमा करने वाली हो जाए, इनके मेहनत की कमाई आपने दिला दिया पिता, मैं धन्यवाद करता हूं। जो बाहर काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और जहां भी है पंखों की आड़ में छुपा रखे पिता, हर प्रकार की समस्याएं कष्ट परेशानियों से आप इनको आजाद कीजिए पिता परमेश्वर, और रास्ता खरा बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए। जितने लोग जॉब के लिए प्रार्थना करवा रहे पिता आप इनको मांगने से अधिक योग्यता से बढ़कर इनको जॉब से आशीष करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी आप इस मंथ पिता बहुतों के लाइफ में आप मिरेकल करने जा रहे हैं, हाँ पिता जो जिस चीज का जार करे सालों महीनों से आप इनके जीवन में मिरेकल करने जा रहे हैं इस मंथ, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए, और हर एक के काम इनके जीवन में सफल होने पाए, यही प्रार्थना करते हैं।
जो बच्चे बीमार है पिता, वो पिता बोल नहीं पाए, चल नहीं पा रहे, उन बच्चों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, वो बोल नहीं पाए, चल नहीं पाए और आपकी महिमा करने वाली हो जाए। जो पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को देख रहे, सुन रहे, जिस घर में प्रार्थना चलिए वहां मिरेकल प्रकट होने पाए। जितने लोग कमेंट बॉक्स में प्रार्थना रिक्वेस्ट डाल रहे पिता, हम इनको आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। हर प्रकार की हमारी समस्याएं, कष्ट, परेशानियों से ये आजाद हो जाए, मार चंगे हो जाए, रास्ते खुल जाए और ये आपकी आशीषों से भरपूर हो जाए खुदा, यही हम प्रार्थना करते हैं। दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, जो विश्वास के साथ प्रार्थना को देख रहा है वो अपने जीवन में, अपने घरों में मिलकर होते देख रहा है। ओहो रा 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 मा, काम सफल हो रहे हैं, कर्ज के बंधन टूट रही है, रुका हुआ काम सफल हो रहे हैं। मेरे पियो विश्वास कीजिए, प्रभु आपके लिए निश्चय क्रम कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग काम सफल हो रहे हैं, रुकावट बधाएं आपके जीवन से दूर हो रही है और आप प्रभु की आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। पिता आपने आशीष चंगाई प्रदान किया, चिंताओं से, बंधनों से, कष्टों से, परेशानियों से आजाद किया, इनके रास्ते को खुला पिता और इनके घरों में सुख शांति आशीष दिया। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, ये प्रार्थना जहाँ जिस घर में चलिए वहाँ पिता आपकी महिमा प्रकट होने पाए, वहाँ से उतरने पाए पिता। जो नींद की समस्याएं, नींद नहीं आती है, हम प्रार्थना करते पिता सुखनाए नींद से आप उनको भरपूर कीजिए, अपनी महिमा के लिए बहुत ऐसे उपयोग कीजिए खुदावन। सुबह उठकर हम सब की महिमा करने में सहायता कीजिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के पिताजी, आशीष मांगते हैं, शुद्ध आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। मेरे पियो यीशु हमारे लिए मिरेकल करने के लिए तैयार है। जब विश्वास के साथ हम उसके पास आकर उसके वचन के अनुसार हम जीवन जीते हैं, प्रभु हमारे लिए मिरेकल करता है, हमारे लिए अनिश्चय क्रम प्रकट करता है, हमारे बंधन को तोड़ता है और हमारे बंद रास्ते को खोलता है, जब हम अपने परमेश्वर यहोवा पर हम भरोसा रखते हैं। हालेलुया। उस संकट में अति सहज से मिलने वाला एक सहायक है। हो सकता है आपके रास्ते बंद हो, लेकिन यीशु हमारे लिए रास्ते खोल कर देने के तैयार है। जब हमारा भरोसा यीशु के ऊपर होगा, मिरेकल हमारे जीवन में प्रकट होंगे। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें ताकि और भाई बहन यीशु मसीह को जान सके। सुबह का प्रार्थना, मंथली प्रार्थना, उसको भी देखिए 6:30 बजे सुबह में। प्रतिज्ञा वचन जुलाई मंथ का पोस्ट चुका है, उसको भी देखिए और अपने घरों में, अपने जीवन में इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। लाइव स्ट्रीम अगर होगा तो दूसरे चैनल पे होगा, उस पर आइए और आशीष को प्राप्त कीजिएगा 9:30 बजे। सभी को जय मसीह के, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।